हजारीबाग वासियों का चिर परिचित लंबी दूरी की ट्रेन की मांग बुधवार को पूरी हो गई। हजारीबाग को गया लोकमान्य तिलक ट्रेन का तोहफा मिला है, जो गया से शुरू होकर मुंबई पहुंचेगी। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और सैकड़ों की संख्या में हजारीबाग वासी रेलवे स्टेशन पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ ट्रेन का स्वागत किया। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। आने वाले दिनों में कई अन्य ट्रेनों की सौगात हजारीबाग वासियों को मिलेगी। पहली बार लंबी दूरी का ट्रेन जो है हजारीबाग से देश के आर्थिक राजधानी को जोड़ने वाला ट्रेन पहली बार यहां पर शुरू हुआ है, तो भावना का पल तो है ही है, साथ में नए आयामों को खुलने का भी पल है। ये पूरा वेस्टर्न इंडिया जो है अब हजारीबाग से डायरेक्टली जुड़ गया। आपने देखा होगा ये नई रेक, बिल्कुल नई रेक जो है इसकी सेवा में लगाई गई है, और हजारीबाग या ये कहे तो तमाम झारखंड के लोगों को इस ट्रेन से फायदा होने वाला है। अभी इंतजार कीजिए सर, एक ही बार आप समझ जाएगा तो मजा नहीं आएगा आपको, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि ये ट्रेनों का सिलसिला शुरू हुआ है। जब तक कोचिंग डिपो बन के तैयार नहीं हो जाता है तब तक ट्रेनें यहाँ से खुलेंगी तो नहीं, लेकिन गुजरेंगी जरूर भारत के हर हिस्से के लिए, ईस्ट नॉर्थ और साउथ वेस्ट का तो हो गया।